हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो लेक्चर 12 है और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए थे, जैसे कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है और ये कितने तरह का होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो सीरीज को अंत तक देखें ताकि आपको और अच्छे से मोमेंट ऑफ कपल समझ में आ जाए। और इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग यह सीखेंगे कि मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। तो उससे पहले दोस्तों, हम लोग ये समझते हैं कि कपल शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो कपल मतलब होता है दोस्तों जोड़ा, किसी दो चीज़ का जोड़ा या फिर पेयर। तो कपल इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पेयर ऑफ थिंग, किसी भी थिंग का पेयर हम कपल कह सकते हैं दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। तो व्हेन टू फोर्स हुज मैग्नीट्यूड आर इक्वल एंड अ पैरेलल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज़ नोन एज मोमेंट ऑफ कपल। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब दो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन वो जो दोनों फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप फिगर में देखिए, यह फोर्स मेरा F1 है, ये वाला दोस्तों ये F1 फोर्स है, यह मेरा F2 फोर्स है। आप नोटिस किए होंगे दोस्तों, यह जो फोर्स है यह इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन यह जो फोर्स है यह इस डायरेक्शन में लग रहा है। कहने का मतलब दोस्तों, दोनों फोर्स का पैरेलल तो है, यह इसके पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन दोस्तों अलग अलग है। डायरेक्शन यह इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यह फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। और मैग्नीट्यूड भी दोस्तों इसका सेम है, मतलब कि दोस्तों F1 बराबर अगर मान लीजिए 10 दिया हुआ है, तो आप ऑटोमेटिक F2 बराबर भी 10 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डेफिनेशन से बोला हुआ है कि दो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो एंड पैरेलल भी हो, फोर्स पैरेलल हो और लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो, तो उसको हम देखते हैं दोस्तों मोमेंट ऑफ कपल। तो आई होप दोस्तों यह मोमेंट ऑफ कपल टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों एग्जांपल से समझते हैं कि मोमेंट ऑफ कपल का यूज दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली आपसे पूछे कि मोमेंट ऑफ कपल का एग्जांपल दो, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यह बोल देना है कि नल का खुलना या नल का बंद होना या मोमेंट ऑफ कपल का एग्जांपल है। और भी एग्जांपल है दोस्तों, जैसे कि कार के हैंडल का मूव करना, वो भी दोस्तों मोमेंट ऑफ कपल का ही एग्जाम्पल है। तो अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों ये नल है, ये नल है, ठीक दोस्तों। देखिए दोस्तों ये नल है, नल में दोस्तों क्या होता है, एक फोर्स हम लोग इधर से लगाते हैं और एक फोर्स दोस्तों हम लोग इधर से लगाते हैं। कहने का मतलब देखिए, दो फोर्स है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन देखिए दोस्तों डिफरेंट है कि नहीं। यह डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है और यह फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है दोस्तों वो दोनों का सेम है और यह दोनों फोर्स आपस में पैरेलल भी है, लेकिन डायरेक्शन दोस्तों अलग अलग है। एक बात नोटिस करने का यह बात है दोस्तों कि यह मान लीजिए कोई बॉक्स है, यह कोई बॉक्स है दोस्तों, अगर दोस्तों इस पर इस डायरेक्शन से फोर्स हम लगाए F1, तो इसको इस बॉक्स में दोस्तों क्या परिवर्तन आएगा? यह दोस्तों यह बॉक्स है, हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो यह मतलब इधर से हटकर यहाँ पर शायद आ सकता है कि नहीं आ सकता है। लेकिन अगर हम इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम एक फोर्स इधर से भी लगा दें, तो दोस्तों अब बताइए, अब यह बॉक्स जो है वो अपना जो पोजीशन है वो चेंज करेगा? वो कभी चेंज नहीं करेगा। बस ये जो एक्सिस है बॉक्स का एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग यह रोटेट करेगा, कभी यह इस डायरेक्शन जाएगा और इस फोर्स के अलोंग इस डायरेक्शन में घूमेगा। कहने का मतलब कि अपने एक्सिस पर रोटेट करने लगेगा। वही बात दोस्तों यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए दोस्तों, हम एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस वाला डायरेक्शन में, अब एक फोर्स हम इस वाले डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो यह अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, यह रोटेट होने लगेगा। जैसे कि नल के जो ऊपर वाला होता है कवर, वह दोस्तों कवर जो होता है वो रोटेट करने लगेगा, पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि दो फोर्स लग रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में और फोर्स आपस में क्या है दोस्तों, तो पैरेलल है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि
दो फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लगे और वो आपस में पैरेलल हो तो मोमेंट ऑफ फोर्स का एग्जाम्पल होता है दोस्तों। वही कंडीशन दोस्तों सेम और सेम कार के साथ भी होता है दोस्तों। यह देखिए कार का हैंडल है, इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, तो एक फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगाते हैं और एक फोर्स दोस्तों हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं। तो आप ही बताइए दोस्तों कि जब दो फोर्स पैरेलल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये जो हैंडल है ये अपने एक्सिस का अलॉन्ग मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि मूव तो करेगा ही करेगा क्योंकि यह दो फोर्स लग रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में है और आपस में पैरेलल भी है तो यह मूव करेगा। तो दोस्तों यह दो एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग फार्मूला से समझेंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है। तो द मोमेंट ऑफ कपल, सॉरी दोस्तों मोमेंट ऑफ कपल के बारे में समझ लें। द मोमेंट ऑफ कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। देखिए दोस्तों मोमेंट ऑफ फोर्स के फार्मूला यह होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, मतलब कि वन फोर्स या किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइंस, और उन दोनों लाइंस के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उससे गुना होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि यह F1 जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड और यह जो डिस्टेंस है, मान लीजिए दोस्तों डिस्टेंस बराबर मेरा 2 है और F1 फोर्स बराबर मेरा 3 है, तो ये जो फोर्स है हम इसके पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर हम गुना कर दें तो आपका मोमेंट ऑफ कपल निकल आता है। तो अगर मोमेंट ऑफ कपल का फार्मूला बोला जाए तो इसका होता है F बराबर D, जहाँ F क्या है दोस्तों, तो यह फोर्स है दोस्तों आपका, फोर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है दोस्तों, मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये, और जो डी है यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर से अगर मोमेंट ऑफ कपल इसका निकाला जाए तो यह कितना है दोस्तों, यह 3 है और यह कितना है दोस्तों, 2 है। तो F बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना दोस्तों, F बराबर हो जाएगा दोस्तों यह 3, और यहाँ पर D बराबर हो जाएगा दोस्तों, D क्या है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो D बराबर हो जाएगा 2, तो ये गुना करके आएगा क्या, तो 6। ये क्या है दोस्तों, ये आपका मोमेंट ऑफ कपल है। तो आपका मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला कोई पूछे तो M बराबर F × D बोल रहा है। F क्या सूचित करता है, तो उस फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू ये F शो करता है, और D क्या शो करता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, मतलब कहने मतलब कि दो फोर्स के बीच का दूरी को यह शो करता है D। द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ कपल इज सेम ऑल द पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द कपल। कहने का मतलब है दोस्तों कि मोमेंट ऑफ कपल का जो मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों वो हर जगह सेम होता है किसी भी पॉइंट पर। तो हम डिफिनेशन में भी यही बोले थे दोस्तों कि मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, बस उसी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों अबाउट कपल के। देखिए दोस्तों इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, इसका जो यूनिट होता है यूनिट वो न्यूटन मीटर होता है। अब दोस्तों ये एक ऐसा क्वांटिटी है, तो हम बताएं दोस्तों इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कहने मतलब कि ये अपने एक्सिस का लॉन्ग या तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं तो अपने एक्सिस का लॉन्ग इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो कैसा क्वांटिटी हो गया दोस्तों, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। चलिए, मोमेंट इन्वॉल्व्स ओनली वन फोर्स वेयर एज मोमेंट ऑफ कपल इन्वॉल्व टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, जिसमें जनरली दोस्तों एक ही फोर्स लेते थे, लेकिन मोमेंट ऑफ कपल के लिए हम लोगों को दो फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ कपल रिक्वायर्ड टू फोर्स। तो इस डिफिनेशन का बेसिकली एक्सप्लेनेशन यही है दोस्तों कि मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हमें एक फोर्स की आवश्यकता पड़ती थी और मोमेंट ऑफ कपल के लिए हमें दो फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और दोनों फोर्स कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और आपस में पैरेलल होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, तो कपल डज नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेटरी मोशन, इट प्रोड्यूस ओनली रोटेशनी मोशन। बात वही दोस्तों कि हम बताए थे ये जो बॉक्स है, या बॉक्स पे अगर हम दोस्तों इधर से फोर्स लगाए और एक इधर से सॉरी दोस्तों एक इधर से फोर्स लगाए, तो यह दोस्तों अपने एक्सिस पर ही रोटेट करेगा, ना कि यहाँ पर है तो ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये नहीं होने वाला है दोस्तों, ये सिर्फ अपने एक्सिस के अलोंग ही
रोटेट करेगा। तो वही कहा गया दोस्तों कि कपल डज नॉट प्रोड्यूस, यह कपल है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब कि यह विस्थापित या फिर बोल सकते कि यह अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, ट्रांसलेट नहीं हो सकता है, लेकिन यह प्रोड्यूस क्या करता है, तो रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है दोस्तों, तो अपने एक्सिस का अलॉन्ग मूव करना मतलब रोटेट करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो बेसिकली यह अपने एक्सिस का अलॉन्ग रोटेट करता है। तो कपल आपको, कपल जो होता है दोस्तों वह एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में नहीं जाता है, बस वो अपने एक्सिस का अलोंग रोटेट करता है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि कपल कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग बेसिकली समझ गए होंगे दोस्तों कि हम जब बताए थे कि यह एगो इस डायरेक्शन में लगता है और या तो इस डायरेक्शन में जा सकता है, तो जनरली एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो बेसिकली कपल भी दो प्रकार का होता है, एक क्लॉकवाइज कपल, एक एंटी क्लॉकवाइज कपल। तो चलिए दोस्तों बस डेफिनेशन से हम लोग जान लेते हैं कि यह क्या होता है। तो अ कपल हुज टेंडेंसी इज रोटेट अ बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज कपल। कहने का मतलब यह दोस्तों कि वैसा कपल जो रोटेट करे बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर, तो उसे हम क्लॉकवाइज कपल बोलते हैं। और दोस्तों क्लॉकवाइज कपल जो होता है वो निगेटिव होता है, यह दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा, काम देगा दोस्तों यह। एंटी क्लॉकवाइज कपल दोस्तों वैसा कपल है जो बॉडी को रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कपल कहते हैं। और दोस्तों ये जो एंटी क्लॉकवाइज कपल है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको टाइप ऑफ कपल तो समझ में आ गया होगा, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। टाइप ऑफ कपल दोस्तों दो प्रकार का होता है, वो क्लॉकवाइज कपल है, वो एंटी क्लॉकवाइज कपल। क्लॉकवाइज कपल क्या होता है, तो वैसा कपल जो, या फिर वैसा कपल जो जिस जो किसी भी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, उसे हम क्लॉकवाइज कपल कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज कपल वो होता है जो किसी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कपल कहते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों एक फोर्स है मेरा जो कि इस डायरेक्शन में है, और F2 फोर्स है मेरा दोस्तों ये इस डायरेक्शन में है। हम क्या बताएं दोस्तों कि अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो अपोजिट डायरेक्शन में है और ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। और इस फोर्स के अलॉन्ग, इस फोर्स का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो 2 मीटर है, और इस फोर्स का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 10 है। तो दोस्तों यह फोर्स का मैग्नीट्यूड यह फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए दोस्तों अगर यहाँ पर अगर वो वैल्यू अगर नहीं दिया रहता है, यह मान लीजिए 10 नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू आप कितना लिखते हैं यहाँ पर जनरली, क्या कि मैग्नीट्यूड तो सेम है दोस्तों, तो इधर यह फोर्स का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू यही फोर्स का भी होगा, यहाँ पर आपको 10 हो जाएगा। तो बेसिकली करने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड दोनों दोनों फोर्स का सेम होता है। और दोस्तों इसका बोल रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ कपल, मतलब इसका मोमेंट ऑफ कपल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बाय द फार्मूला, सीधे फार्मूला के अनुसार चलना है। मोमेंट ऑफ कपल बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, तो 10 है, तो 10 लिख देंगे। और फोर्स कितना दोस्तों, सॉरी दोस्तों डिस्टेंस कितना दोस्तों, तो 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो 10 × 2 कितना हो जाता है दोस्तों, 20। और यूनिट कैसा देंगे दोस्तों, तो यूनिट हम बोले थे कि इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो 20 न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। आई होप दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक, मैं आशा करता हूँ कि आपको पढ़ाया गया टॉपिक सारा समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए इस वीडियो सीरीज को। धन्यवाद।